सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक। आप सब ने ये अपडेट तो सुन ली होगी कि NTA ने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट अब इंक्रीज कर दी है। 16th of March तक आप सभी नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक अपडेट और आई है और ये काफी बच्चों के MBBS करने के सपने को साकार करने वाली है। जी हाँ, अपडेट है UP से। मैं आप सभी के स्क्रीन पर एक आर्टिकल शेयर कर दे रहा हूं जो कि हिंदुस्तान, जो कि एक न्यूज ई पेपर है, उसका आर्टिकल है। इसमें बहुत क्लियर लिखा है, खुशखबरी है सभी ऐसे बच्चों के लिए जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, यूपी में जो है 1400 गवर्नमेंट MBBS सीट्स इस बार इंक्रीज हो चुकी हैं। जी हाँ, अगर आप 2024 में नीट एग्जाम देकर MBBS करने का प्लान कर रहे थे तो 14 न्यू गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस को NMC से अप्रूवल लगभग मिल चुका है। यानी कि इस बार यूपी में और अधिक बच्चों को गवर्नमेंट MBBS सीट से MBBS करने का मौका मिलेगा। सभी कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो इनकी फीस भी कम होगी। अगर बात करें दोस्तों हम इन कॉलेजेस में MBBS फीस को लेकर, तो जो अभी तक का जो जितने भी कॉलेज हैं वो सब एक ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं, तो इनकी जो फीस होगी वो 35,500 पर ईयर रह सकती है, या मे बी गवर्नमेंट इसको इंक्रीज कर 38,500 कर सकती है। यानी कि 40,000 से बिलो ही रहने वाली है इन सभी 1400 गवर्नमेंट MBBS सीट्स की फीस। अगर आप यूपी से हैं तो 2024 आपके लिए एक स्वर्णिम ईयर बन सकता है, आप सभी के सपनों को साकार करने वाला ईयर बन सकता है। क्योंकि ये जो 1400 MBBS सीट इंक्रीज हुई है, ये बहुत दिनों के बाद एक साथ इतनी सीट्स यूपी में इंक्रीज हुई हैं। अगर इस बार आप MBBS नहीं कर पाए तो आपके लिए आगे का रास्ता और डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो मैं आप सबसे एक बार फिर से बता दूं कि यूपी से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। यूपी में 1400 न्यू गवर्नमेंट MBBS सीट्स नीट 2024 के लिए इंक्रीज हो चुकी है, और जो बच्चे इस बार नीट एग्जाम देंगे ये काउंसलिंग में अपेयर होकर जो है इन कॉलेजेस में MBBS एडमिशन ले सकते हैं। सो, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो देखने के लिए आप सभी देश के फ्यूचर डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।